हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले 4-5 आलू उबालकर छील कर ले लिया है। इसे सारा हम फोड़ लेंगे। हम आलू मसल के अच्छे से ले लिए हैं। अब एक पैन में तेल डालेंगे और इसमें तेल गरम हो जाएगा तो 1 चम्मच जीरा डालेंगे और फिर आलू डाल देंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची कुटी हुई और चाट मसाला। इसको सारा डालकर फिर चला लेंगे। इसको सारे मिला लेंगे। इसको सारे मिक्स कर लेंगे और फिर नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। मेरी आलू तैयार हो गई है। अब इस तरह हम बेसन ले लेंगे कटोरी, इस पर पानी डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें भी मसाला डाल लेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, गरम मसाला, नमक, सारे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। अब हम एक ब्रेड लेंगे और इस पर ये आलू सारे इस तरह से लगा देंगे। दूसरा ब्रेड इस पर इस तरह से रख कर दबा देंगे और फिर चाकू से इस तरह से इसे काट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। हमने सारा आलू भरकर और ब्रेड काट कर रख लिया है। अब एक पैन में तेल डालेंगे, तेल गर्म हो जाएगा जब तो हम बेसन में ब्रेड लगा के इस तरह से फिर तेल में डाल देंगे। जब एक तरह से हो जाएगा तो इस तरह से हम पलट देंगे। फिर मेरा ब्रेड पकौड़ा ये हो गया है, इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे
एक एक करके सारे तल लेंगे। सारा ब्रेड वगैरह तल लिया है हमने, अभी प्लेट में इस तरह से लगा लेंगे। और उसी मिर्ची में, उसी तेल में मिर्ची हमने फ्राई कर लिया था, इसको भी इसी पे रख लेंगे। और टमाटर सॉस ले लेंगे, इसी से इंजॉय करेंगे।